properties of bond duration so uh, what what are the properties of uh, bond duration it simply means uh, as to what kind of rules are applicable in case of uh, application of or computation of bond duration so number one and this we should be very clear about so in case if you have any doubt any question you can please interrupt me and ask me so properties of the bond number one higher the coupon rate शॉर्टर दी बॉन्ड ड्यूरेशन Obviously, जितना ज़्यादा बड़ा coupon रेट होगा तो इसका मतलब ये है कि उतना जल्दी इन रियल टर्म्स मेरा पैसा मुझे वापस मिलने वाला है बिकॉज़ coupon ज़्यादा है इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट का कैश इनफ्लो ज़्यादा है इंटरेस्ट का कैश फ्लो ज़्यादा है इसका मतलब मेरा investment की recovery ज़्यादा हो रही है और अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की अगर रिकवरी ज़्यादा हो रही है तो सीधी सी बात है फिर मेरा बॉन्ड ड्यूरेशन कम हो जाएगा यानी कि वो जो पैसा रिकवर होने में टाइम लगता है वो टाइम कम हो जाएगा सो दैट इज प्रॉपर्टी नंबर वन प्रॉपर्टी नंबर टू हायर यील्ड टू मेच्योरिटी लॉन्गर द बॉन्ड ड्यूरेशन एंड दैट इज योर प्रॉपर्टी नंबर टू अब इसको भी समझ के लीजिए हायर यील्ड टू मेच्योरिटी लॉन्गर द बॉन्ड ड्यूरेशन इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर वाई ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो मेरा कैश फ्लो है उसकी जो डिस्काउंटेड वैल्यू होगी उतनी कम हो जाएगी सो हायर दी वाई टी एम लोअर इज गोइंग टू बी दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माई कैश फ्लोज सो लोअर दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माई कैश फ्लोज दैट मीन्स इट विल टेक दैट मच एक्स्ट्रा लॉन्ग फॉर मी टू रिकवर माई इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज़ द प्रॉपर्टी नंबर टू एंड विच इज़ हायर यील्ड टू मैचरिटी लॉन्गर इज गोइंग टू बी दी बॉन्ड ड्यूरेशन नंबर थ्री

प्रैक्टिस कि इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल क्या है इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल है कि हमारा जो पैसा लगा है वो जितनी जल्दी हमको मिल जाए उतना अच्छा सो so, अगर किसी बॉन्ड का ड्यूरेशन लोअर है शॉर्ट छोट -छोट है स्मॉल है तो इसका मतलब आपका जो पैसा है इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी रिकवर हो रहा है जल्दी रिकवर हो रहा है इसका मतलब अनसर्टेनिटी जल्दी क्लोज हो रही है एंड दैट इज़ बाई इट इज़ सो मच बेटर एन इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड द बॉन्ड्स टर्म टू मेच्योरिटी and duration are the same and this is what we need to understand Ki, uh, in case of a zero coupon bond what happens you only have a single cash flow you only have a single cash flow in case of a zero, zero coupon bond and that is when the bond is redeemed to you the bond is redeemed to you so uh, in case of a zero coupon bond uh, what is the property of the bond duration and that is bonds term to maturity एंड ड्यूरेशन आर दी सेम यानी कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अगर आप एक ज़ीरो कूपन बॉन्ड का ड्यूरेशन कैलकुलेट करने जाएंगे uh, तो आप my, आपको मालूम पड़ेगा कि उसका जो टर्म टू मेच्योरिटी है यानी कि जितना समय उसकी एक्सपायरी में बाकी है और उसका जो बॉन्ड ड्यूरेशन है वो हमेशा एक ही होगा सेम ही होगा बिकॉज दैट इज़ how it it happens so in case of a zero coupon bond and remember this is a, a likely question so please make a note of it mentally this is a likely question uh, and what the question is question is uh, in case of a zero coupon bond duration of bond and term to maturity are same and then you will have option yes no not sure and things like that and then you obviously have to answer yes because that is how the factual position is

Let us understand it.